धन्यवाद मैडम आपका समय देने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइप ऑर्डर अमेंडमेंट बिल के सपोर्ट में खड़ा हूँ और मेरी कुछ बातें रह जाएंगी आपकी अनुमति से मैं उसको रिकॉर्ड में देना चाहूँगा मैडम मैडम मैं सीधे अपने क्षेत्र की बात पे आता हूँ कि जो हमारे गोरखा समुदाय हैं उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उसमें काफ़ी समय लग रहा है और मैं आपके माध्यम से समस्त देश को ये बताना चाहता हूँ कि गोरखा जिनको मूल रूप से जो है हिल ट्राइब के नाते जाना जाते थे और स्वतंत्रता के बाद उनको जो है इस अधिकार से वंचित कर दिया गया साथ ही मैं उन रिकॉर्ड ये भी कहना चाहता हूँ कि जो दार्जिलिंग का मूल जिला जिसमें दार्जिलिंग तराई डूअर शामिल है 1947 तक ये पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया के रूप में जाना जाता था और यह पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सिर्फ जो है जहाँ पे जनजाति रहते थे उनको माना जाता था और इतिहास के अंदर में हमें ये भी देखने को मिलता है कि दार्जिलिंग की अलग ही एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था रहती थी आ, 1861 से पहले नॉन रेगुलेटेड एरिया थी फिर रेगुलेटेड एरिया बना फिर नॉन रेगुलेटेड एरिया बना फिर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट बना फिर 1919 से लेकर के 1935 तक बैकवर्ड ट्रैक बना फिर 1935 से 47 तक पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया बना फिर जो है Uh, 1954 के अंदर में एक्जॉब एरिया एक्ट के अंतर्गत ये बंगाल का हिस्सा बना कुल मिला के मैडम मेरा ये कहना है कि बीच में सात अलग अलग समाज के लोगों को जिसमें लेपचा धुपका भुटिया, यल्मो शेरपा लिंबू, सुब्बा तामांग इन लोगों को एस में शामिल कर दिया गया और 2003 और 2002 और 3 अटल जी के समय में लीम्बू और तामांग को भी इस एस टी शेड्यूल में रख दिया गया लेकिन अभी भी 11 जनजातियां मगर राई सुनवार याखा गुरुंग नेवार खस धीमाल जोगी धामी भुजेल ऐसे 11 जनजातियां छुटी हुई है और मेरा ये भी कहना है मैडम हमको एक चीज़ ये भी समझना पड़ेगा दार्जिलिंग कालिम्पुंग का एरिया है ये बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है हिंदुस्तान में डेढ़ करोड़ गोरखा बोलने वाले नेपाली बोलने वाले गोरखा समुदाय के लोग भी रहते हैं और नेपाल में तीन करोड़ लोग हैं होता क्या है ओपन बॉर्डर होने के कारण ये डेढ़ करोड़ गोरखाओं को बार बार नेपाली या विदेशी कहा जाता है सो इससे जो है उनको ये गोरखा समुदाय को बहुत आहत होती है देश के प्रति हमारी वफादारी और हमारी ईमानदारी पे इस पर क्वेश्चन मार्क लगता है इसलिए भी मैं ये मांग इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिले या नौकरी मिले हमको ये भी देखना चाहिए ये जनजाति थे छीन लिया गया वापस इनको डालना है इससे एक काम से कई सारे सम, समाधान होते बार्थ हैं बार्थ मैं आपसे ये मांग करता हूँ कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द किया जाए अंत में नेपाली में एक ही लाइन कहूंगा हमेर को जो गोरखा समाज जाति योगदान ल हजूर को मध्यम बड़ा मैं निवेदन करना चाहूँ मंत्रीजी सिंह भन्दा चाँडो एसटी स्टेटस रहेका ग्यार जनजातिलाई दिनुहोस् यति भन्दै मेरो वक्तव्य समाप्त गर्न चाहन्छु जय हिन्द जय गोर्खा